हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको मिनी कामनी का प्लांट दिखाने जा रही हूँ। और ये मिनी कामनी है दोस्तों, इसे मधुकामनी, मिनी कामनी, मुरैया और टेबल कामनी कई नामों से इसे जानते हैं दोस्तों, और कई नामों से इसे पुकारते हैं। और दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको कामनी के प्लांट दिखाए थे, वो इससे थोड़े से बड़ी पत्तियों वाले थे, उसमें फ्लावर आते हैं। और उससे बड़ी हुई वैरायटी मैंने आपको दिखाई थी जो ट्री आकार में बन जाती है, और ये बहुत ही खूबसूरत और ये बॉन्साई बनाने के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और ये अपना भी आकार ले लेता है, देखने में देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मैं एक छोटा सा प्लांट लेके आई थी दोस्तों, देखिए कितना अच्छा रिपोर्ट करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए मैंने बहुत सारी मिट्टी तैयार कर ली है। देखिए दोस्तों, इतनी मिट्टी मेरी बनकर तैयार हो गई। मुझे आज बहुत पॉटों को रिपोर्ट करना है, तो चलिए दोस्तों मिनी कामनी को रिपोर्ट करते हैं। देखिए मैंने एक गमला ले लिया है और ड्रेनर्स होल भी। देखिए दोस्तों, ड्रेनर्स होल में दोस्तों ये हम एक टुकड़ा रख देंगे। ये मेरे पुराने गमले का टूटा हुआ टुकड़ा था, मैंने उसे रख दिया। आप टाइल का टुकड़ा ना रखें दोस्तों, टाइल चिपक जाती है तो पानी नहीं निकलता है, तो ड्रेनेज होल का इसमें विशेष ध्यान रखना है। जो दोस्तों मैंने ये मिट्टी तैयार करी है, ये 50% इसमें गार्डन सॉयल और 50% इसमें ये कंपोस्ट मिलाया है। और इसमें दोस्तों मैंने फंगीसाइड के रूप में नीम की खली मिलाई है। देखिए दोस्तों, हम भर देंगे इसे और इसको दोस्तों देखिए अब खाली करते हैं। ये जो मिट्टी दिख रही है दोस्तों, ये मैंने लगाई है और इसमें मैंने थोड़े से पत्थर के टुकड़े डाल दिए थे, ये देखिए। और जैसा मैं लेके आई थी, मैंने सेम निकाल कर प्लास्टिक हटाकर इसको ऐसी मिट्टी डालकर लगा दिया था। देखिए मैं निकालती हूँ मिट्टी, ये जो मिट्टी ऊपर से निकल रही है दोस्तों, ये मैंने लगाई थी। और मैंने इसको पॉट में रिपोर्ट नहीं किया, दूसरा बहुत ही छोटा ये प्लांट था और अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया है। देखिए ये तो ये जो मिट्टी लगी हुई है, ये नर्सरी की मिट्टी है। मैंने इसको हटाया नहीं क्योंकि पौधा बहुत कमज़ोर था, और अभी भी नहीं हटाऊंगी मैं, बाद में इसको सही करूंगी जब इसकी जड़ें पूरे गमले को कवर कर लेंगी, तब इसको फिर हटाएंगे। एकदम हटाने से दोस्तों प्लांट सूख भी सकता है, क्योंकि प्लांट बहुत छोटा था। तो इस ढंग से हम इसको ऐसे ही रख देंगे और चारों तरफ से मिट्टी लगाकर इसको रखेंगे। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी एक कामिनी की बहुत अच्छी वैरायटी है, ये ड्वार्फ में है और इसको बॉन्साई बनाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये अपने आप ही सेप ले लेता है दोस्तों, इसकी हल्की सी कटिंग करनी पड़ती है और ये अपने आप ही आकार ले लेता है, गोल आकार ले लेता है। और आप इसको चाहें तो इसको कई आकार में ले जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ये फैल जाएगा दोस्तों, अच्छा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस ढंग से डेवलप हुआ है। और इस ढंग से हम मिट्टी लगा के दोस्तों, इसमें पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी तो कामनी को चाहिए, परंतु ड्रेनेज होल विशेष का ध्यान रखें, पानी इस गमले में ठहरना नहीं चाहिए। और इस प्लांट को धूप की आवश्यकता है, इसे सनलाइट में रखिए, ये बहुत अच्छा प्लांट है और धूप में बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो इसे जब भी लगा रखें आप धूप में रखें। इसकी जो छोटी छोटी ये ब्रांचें दिख रही है दोस्तों, इसको कटिंग करके आप कई प्लांट इसके बना सकते हैं। कामनी का बहुत आसानी से कटिंग लग जाती है, तो आप इसके और प्लांट भी बना सकते हैं। जब आप इसकी कटिंग करें तो आप इसके प्लांट बनाएं। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और कामनी की दोस्तों हमारे वहाँ नर्सरी में एक और वैरायटी आ गई है, मैं उसको भी लेके आऊँगी, तो वो भी आपको दिखाऊँगी। बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है कामनी की, ये देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इसको ज़्यादा कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, अभी आपने कर दिया है, डाल दिया है, और फिर बाद में जब भी गुड़ाई करेंगे तब हल्की कंपोस्ट डाल सकते हैं, अन्यथा ये बहुत है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और इसकी हल्की कटिंग देखिए, ऊपर से जो है ना ये इसको आप हल्का हल्का कट कर दें, अभी नहीं, बाद में जब थोड़ा सा ये भूसी सा हो जाए तो इसको फिर कटिंग कर देंगे आप ऊपर से गोलाई से,
तो ये बहुत अच्छा आगा। थैंक यू।